रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के करम से ठीक होंगे। आप हमें हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए गोल्ड की डिज़ाइनिंग लेके आते हैं ज्वेलरी में, और इनकी आपको फ़ायदे भी बताते हैं, इनके नुकसान भी बताते हैं, साथ साथ आपको गाइड भी करते हैं ताकि आप ज़्यादा नुकसान ना हो, आपका नुकसान से आप बच सकें। आज की वीडियो एक बार फिर मैं सेटों के ऊपर लेके आया हूँ। 21 कैरेट गोल्ड के सेट्स आपको दिखाने हैं इंशाल्लाह, और इनके हुजम ऐसे हैं जो आपको लगेंगे जैसे ये दो दो तीन तीन तोले के सेट बने हुए हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम सेट देख रहे हैं, इसके अंदर हमने मल्टी शेड के मोती डाले हैं ताकि जो है ना इसकी खूबसूरती में इजाफा हो सके। शैम्पियन, कॉफ़ी, रूबी और सिल्वर कलर का टच दिया है मोतियों में। अगर आप इनके ये मोती उतरवाना चाहते हैं तो हम उतार के भी आपको दे सकते हैं बगैर मोतियों के। अक्सर कस्टमर जो है ना बगैर मोतियों के सेट मांग रहे हैं, तो मैं आपको वीडियो में आगे बगैर मोतियों के भी दिखाऊंगा, लेकिन इसके भी मोती उतर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसका 18 ग्राम 260 मिली नेट वेट है। आज की वीडियो में मैं आपको ना प्राइस नहीं बताऊंगा क्योंकि गोल्ड रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, सिर्फ वेट ही बताऊँगा। प्राइस पर आप मेरे से कन्फर्म कर लीजिएगा। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर हमारा चल रहा है, कॉल भी कर सकते हैं और इस पर व्हाट्सएप भी रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल दे दी जाएगी। इसके बाद अगला सेट आप देखें, एंटीक में मैंने आपको पहले भी सेट दिखाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी काफ़ी अच्छी रनिंग आइटम्स हैं एंटीक में सेट्स। तो ये वाला भी एंटीक में सेट है और इसका वज़न सिर्फ और सिर्फ 11 ग्राम 290 मिली वज़न है। बहुत ही प्यारा सेट है और फलाओ में देखें आप, ये बगैर मोतियों के भी बड़ा प्यारा लगता है और मोतियों के साथ भी। करीब से करके दिखाने का मकसद होता है आपको डिज़ाइन क्लियर वाजे हो सके, दूर से दिखाते हम इसलिए ताकि आपको जो है ना इसका हुजम भी पता लग सके। इसके साथ साथ आपको अगला मैं सेट दिखाने लगा हूँ, ये हमारा सदाबहार सेट है। ये डिज़ाइन सदाबहार चलते हैं, फुल गोल्ड में है ये, इसके अंदर कोई लैकर नहीं किया गया। मोती के कलर आप चेंज करवाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, हमने हर तरह के कलर शॉप पर रखने होते हैं। तो इसके अंदर हमने शैम्पियन के साथ ब्लू का टच दिया है और 10 ग्राम 780 मिली इसका नेट वेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेट ये सारे ही माशाल्लाह ना हुजम में बड़े हैं और देखने में ऐसे लगता है जैसे दो दो तोले के सेट हैं। इसके बाद अगला जो मैं सेट आपको दिखाने लगा हूँ ये एंटीक सेट, और इसका वेट ज़रा ज़्यादा है, फ्लाओ भी इसका फिर ज़्यादा है। ये तकरीबन 18 ग्राम इसका नेट वेट आ रहा है। कांटे का फ्लाओ मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखें कांटा कितना बड़ा है माशाल्लाह। ये पूरा ब्राइडल, बड़ा ब्राइडल लुक में सेट है। 17 ग्राम 950 मिली यानी कि तकरीबन 18 ग्राम इसका वज़न है। आपको करीब से करके मैं दिखाता हूँ, आप इसकी देखें एक एक चीज़ जो है ना माशाल्लाह, हर डिज़ाइन आपको प्रोमिनेंट नज़र आएगा और क्लियर नज़र आएगा। इसके अंदर गोल्डन के साथ रूबी टच दिया गया है। मोतियों की सेटिंग अपनी तरफ से हम बड़ी प्यारी करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। आपने अगर इसको चेंज करवाना हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, हम इसको चेंज भी कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके बाद अगला जो मैं आपको सेट दिखाने लगा हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था कि फुल बगैर मोतियों के भी आपको सेट दिखाएंगे फुल गोल्ड में, तो ये वाला सेट है फुल गोल्ड में आपको मिल जाएगा। इसका वज़न तकरीबन 13 ग्राम के करीब आएगा। ये 13 ग्राम 700 मिली, 13 ग्राम 500 मिली, इस रेंज में इनके वेट आते हैं। याद रहे यहाँ पर अगर कोई सेट सेल हो गया इनमें से दोबारा बनाने लगे वेट का डिफरेंस आ सकता है, तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर मैंने इसमें किसी सेट का वज़न आपको 18 ग्राम या 17 ग्राम बताया है ना, तो दोबारा हो सकता है बनाए वो 20 ग्राम भी बन जाए, वो 16 ग्राम भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे 1 ग्राम 2 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है वेट में। इसका मैं आपको कांटा दिखाना चाहूँगा ताकि आप कांटा इसका देख सकें। ये आप कांटा हुजम में देख सकते हैं कि बड़ा प्यारा है। इसके साथ मैं आपको इसका ऊपर से भी लुक दिखाता हूँ, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह वेट के हिसाब से फ्लाओ भी बड़ा प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अगला सेट फिर मोतियों के साथ मैंने रखा है ताकि जो है ना थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे दें, और इसका वज़न आप मैं बताऊं तो वज़न इसका बिल्कुल ही कम है, इसका सिर्फ 8 ग्राम वेट है इसका। और सेट ये जो पहले मैंने आपको दिखाया ना 10 ग्राम उसके मुकाबले का ही फैला हुआ है। तो ये शैम्पियन है और रूबी कलर में इसमें हमने टच दिया है। आप मोती चेंज करवाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। कांटा भी आप इसका देख सकते हैं कि कांटा इसका बड़ा है हुजम में, और वज़न इसका सिर्फ 8 ग्राम है, 8 ग्राम। इसके बाद अगला सेट मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, बगैर मोतियों के है, पहले भी मैंने दिखाया है, थोड़ा सा इसमें और उसमें डिज़ाइन में फ़र्क है और वेट में भी फ़र्क है। वो 13 ग्राम का था, ये 12 ग्राम के करीब वज़न है इसका। ये सारे सेट 21 कैरेट गोल्ड में है। आपको 21 कैरेट गोल्ड की वापसी मैं बार हर वीडियो में बता देता हूँ कि
कि अगर आप इसको वापस करेंगे तो 20% आपकी कटिंग के बाद आपको पैसे उसी टाइम मिल जाएंगे। जो ज्वेलर्स ये कहते हैं कटिंग नहीं होती, वो सरासर झूठ है, उनकी बातों पर ना आए। जब भी चीज़ बाई करें तो नेट वेट की तसली कर लें, नेट वेट के बाद आपको हमारी प्राइस और लोगों की प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को लाइक नहीं किया, वो मेरे पेज को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें डिज़ाइनिंग से, गोल्ड अपडेट से, गोल्ड की प्राइसेस से। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, गोल्ड रेट कम होने का कोई चांस फ़िलहाल नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि मुल्की हालात हमारे इस तरह के हैं कि इसमें गोल्ड का रेट काबू नहीं आ सकता, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि गोल्ड का रेट जो है ना कम नहीं होना। गोल्ड का रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसने बाय करना है बेस्ट टाइम है कि वो बाय कर ले, ताकि कल को ये ना पछताएं कि जी हमने बाय नहीं किया था। नए आने वाली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।